स्पीकर पे कर दी। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभी उपाध्याय एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। फाइनली द डे हैज कम एंड मेरा टर्म वन का रिजल्ट वाज आउट यस्टरडे। सो आज है 13th of March एंड ऑफिशियली CBSE ने बता दिया था कि हम लोगों ने स्कूल्स को रिजल्ट भेज दिया है ऑलरेडी। सो बिकॉज मेरी मम्मा घर पे नहीं थी एंड उनके फ़ोन में है मेरा ग्रुप जहाँ पे मैम ने मैसेज करा था। सो दैट्स व्हाई मुझे पता नहीं चला था कि कितने बजे हमें रिजल्ट के लिए क्या करना जो भी व्हाटएवर। सो जब वो घर पे आए सो आई चेक मैसेज। हमें बेसिकली अपनी क्लास टीचर मैम को कॉल करना था एंड देन वो हमें हमारे मार्क्स बताएंगे अगर हमें अपने आप ही कैलकुलेट करके व्हाटएवर अपनी परसेंटेज निकालनी है। सो बिकॉज कल लेट मम्मा आई थी सो ऑब्वियसली अब मैं तब तो कॉल नहीं कर सकती थी। सो मैम ने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करा था कि जो भी बच्चे मुझे कल नहीं कॉल कर पाए वो 2 to 3 के बिटवीन मुझे आज 13 को कॉल करेंगे। सो इट्स ऑलरेडी 2:05 एंड अब मैं फाइनली कॉल करने जा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स से उनके मार्क्स पूछ लिए हैं एंड उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सो आई एम ऑब्वियसली हैप्पी फॉर देम बट ऑब्वियसली मेरी एंग्जाइटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मेरे उतने अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं आई बी ऑन cloud 9 ऑब्वियसली, बट स्टिल अभी हम बहुत ही अच्छा होप कर रहे हैं कि काश आए एंड लेट्स जस्ट कॉल माई टीचर वेरी क्विक। स्पीकर पे कर दी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, नोट डाउन योर मैम। यस मैम। यस मैम। 39। यस मैम। 40। यस मैम। मैथ्स में यू हैव गॉट फुल मार्क्स। 40। ओके। 34। यस मैम। 39। 40। थैंक यू मैम। 34 इज वेरी लेस भाई, इसमें एक ही मार्क्स कटे हैं, दो में एक मार्क्स कटे हैं। 34 out of 40 ब्रो, 34 out of 40। रुक जा यार, मेरे को करने दे यार, मेरे को बहुत एंग्जाइटी मोड दे, बहुत एंग्जाइटी मोड दे यार, मेरे को तो शांत हो जाए बहन, तू मत बैठा कर मेरी साइड में। आई विश यू रेटिंग 5 नहीं आ पाएंगे। नहीं ओके सॉरी 94 व्हाट लगा लिया था 188/2। नो यूर गुड एट मैथ्स। 40 out of 40 मैंने PCM तो लेनी है। PCM मेरी है 11th की। साइंस में कितने 34 out of 40 एंड सबसे ज्यादा गंदे साइंस में ही भाई मैं SST का नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं 30 I was genuinely not expecting कि मेरे हिंदी में, because मेरी साइंस में मेरे हिंदी वाले टीचर ने मुझे बोला था कि शुभी तुम्हारा इस बार का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है एंड तुम्हारे 39 out of 40। ओके सो इंग्लिश तो लक्षणा मैम के लिए 39 मार्क्स वाला बच्चे का पेपर अच्छा नहीं जाता। इंग्लिश इज की ठीक है ओके, साइंस 34 डूड। साइंस का मैं ट्यूशन लेती हूं, एसएसटी में अपने आप पढ़ती हूं, बट साइंस इतना बेकार तो दूर रहते हैं बोलते हैं, बट मेरी सेल्फ लर्निंग स्किल्स इतनी अच्छी है। ओके गाइस, सो बेसिकली हमारी मैम ने हमें आउट ऑफ 40 सारे मार्क्स बताए हैं। सो मैं मार्क्स बोल सकती हूँ ना डायरेक्ट, है ना। सो मेरे आए हैं आउट ऑफ 40 आई एम टेलिंग, इंग्लिश में 36, हिंदी में 39, मैथ्स में 40। मैथ्स में तो है अच्छा, या मैथ्स तो मेरी थी, मेरे को था कि भाई मैथ्स में लूंगी ही आगे तक चल के पूरा, बिकॉज मेरे को मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पर, होना भी चाहिए क्योंकि मैं सही कर लेती हूँ। साइंस 34 विच इज नॉट एट ऑल गुड, एटलीस्ट 35-36 तक होते तो मेरा रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, काफी अच्छा हो जाता, अराउंड 95% तक बैठ जाते अगर मेरी 36 आ जाती तो। बट आई एम नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड, आई एम नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड। SST 39, सो हमारा टोटल बना 188 विच गिव्स अस 94%
although like it's quite good for like most of the people, काफी लोग यही बोलेंगे कि भाई 94 आ गए, सही है, satisfied हो जाना चाहिए. But for me, like मैंने बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, but 94 से थोड़ा ज़्यादा. Also, as I was telling, मेरे friends का result आ चुका है, तो उसका like there was a guy मेरे साथ में ही पढ़ता था and उसके आए हैं 95%. I was expecting कि एटलीस्ट मेरे भी 95 आ जाने चाहिए, बिकॉज हम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के हैं. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे भी 95 आ जाने चाहिए, बट हम दो मार्क्स से रह गए हैं, बट जिसके मैं बिल्कुल भी लाइक खुश नहीं हूँ. ऑल्सो जो हमारे 10th का टॉपर है पायस, उसके फुल 100%, विच इज़ लाइक द एक्सेप्शनल केस आप मानते हैं, वो है वो बच्चा. सो लाइक ऑब्वियसली उसके 100 आ गए, आप मान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, एक्सेप्शनल है तो उसके आ गए. अच्छे हैं एज सच एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, बट बीइंग अ टॉपर तेरे थोड़े से और अच्छे आ सकते थे और आने भी चाहिए थे. टू मेंशन आई एम अ टॉपर और स्पेशली साइंस में, बिकॉज़ साइंस में बहुत अच्छा कमांड है. एंड यस, मेरे को भी लगा था कि साइंस में और अच्छे आ मुझे था पर्सनली कि हिंदी में नहीं आएंगे अच्छे, मुझे खुद हिंदी में प्री बोर्ड भी अच्छा नहीं गया था. एंड मेरे लाइक हिंदी का जो मेरा प्री बोर्ड हुआ था टर्म वन का, उसमें मेरे सबसे गंदे जो आए थे वो हिंदी में ही आए थे, बाकी सब में मेरे अबव 35 थे. सो लाइक हिंदी का सबसे गंदा गया था, बट साइंस में अच्छे नहीं है, बट ठीक है टर्म टू में करना. टर्म टू का जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इज अबव 95, ऑब्वियसली. सो उसको लाइक अबव 95 करने के लिए, बिकॉज टर्म वन का भी परसेंटेज लगेगी 40%, जो अभी तक बताया जा रहा है कि 40% ऑफ टर्म वन साइंस में, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा, सो दैट लाइक ये चीज रिकवरी हो जाए, कि हम टर्म टू में इतने अच्छे ले आए कि वो चीज अब रिकवर हो जाए. बट स्टिल आई एम ओके हैप्पी विद दिस, लाइक नॉट एट ऑल मच हैप्पी, बट ओके. नहीं ओके है, लाइक ये हम बता सकते हैं किसी को कि हाँ भाई 94 आए, नॉट बैड. हमारी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंचे, बट इज नॉट लाइक बहुत ही. लेट्स सी मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा. आप एक्सपेक्ट कितने कर रही हो और क्या लगता है कितने आए होंगे? देखो मुझे लग रहा है 95 से ऊपर आने चाहिए. आने चाहिए नहीं, अब आ गया रिजल्ट, अब कितना लग रहा है, कितना आया होगा? 95. पापा को लग रहा है कि 90-92 लग रहा है पापा को. पापा 90-92, मम्मी 96-95, इतना होगा. 92% पापा को 92 है. सनी भाई आपको मतलब